Good morning, children. How are you all? Hope you all are fit, safe, happy at your home. First of all, wish you a very happy Republic Day to all. Now you all are thinking, why I wished you happy Republic Day? What is Republic Day? Do you want to know about it? Right. So now I will tell you about Republic Day in this video. So let's start the video. With blowing winds from four corners of heaven, with the vibes of liberty and freedom, with the strong determination to bring about the change. अपने अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है. लोकतंत्र ही मंच हमारा, लोकतंत्र ही मंच हमारा, हम सबको इस पर गर्व है. आप सबको पता है बच्चों, 26 जनवरी के दिन हर साल हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं. इस दिन हमारे देश का संविधान लिखा गया था. 26 जनवरी का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि इसी दिन भारतीय गणतंत्र के रूप में एक नवीन युग का उदय हुआ था. जी हाँ, हमारा संविधान जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इस दिन ही लाया गया था, लागू किया गया था. इस संविधान ने हमें सामाजिक आर्थिक समानता प्रदान की है तथा हमारे अधिकारों की भी रक्षा हमारा संविधान ही करता है. नाउ यू ऑल टेल मी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द राइट्स विदाउट ड्यूटी? सिमिलरली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूल्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो हमारा संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि हमारी जो ड्यूटीज़ बनती हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं अपने देश के प्रति, वो भी हमें बताता है. ओके? तीन रंग से बना तिरंगा है भारत की शान, तीन रंग से बना तिरंगा है भारत की शान, लहराकर तिरंगे को आसमान में भर लो नई उड़ान, प्रगति और रख दो नई मिसाल, प्रगति और उन्नति की रख दो नई मिसाल, फ्लटरिंग ट्राई कलर इंस्पायर अस टू डेडिकेट आर लाइफ टू अ नेशन. जब आसमान में तिरंगा लहराता है तो हमें वो इंस्पायर करता है कि हमें अपनी लाइफ अपने देश पर कुर्बान कर देनी चाहिए. अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है. समझ में आ रहा है? राइट. आप सबको पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को. हमारे देश को आज़ादी दिलवाने के लिए हमारे महापुरुषों ने काफ़ी संघर्ष किया, पर आज़ादी मिलने के बाद हमारे जो कुछ लीडर थे, उन्होंने सोचा कि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो इस देश को चलाने के लिए नए नियम, नए कानून बनाने चाहिए. फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में हमारे देश के संविधान को लिखा गया. संविधान के अंदर हमारी कंट्री की रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ खास सिंबल भी बनाए गए, जैसे तीन रंग से बने तिरंगे को नेशनल फ्लैग बनाया गया, जन गण मन को हमारा नेशनल एंथम बनाया गया, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत बन गया, सारनाथ स्तंभ हमारा नेशनल एम्बलम बन गया, इसी के साथ हॉकी नेशनल गेम बना, टाइगर नेशनल एनिमल बना, पीकॉक नेशनल बर्ड और लोटस नेशनल फ्लावर बना, बनियान ट्री नेशनल ट्री के नाम से जाना जाने लगा. अभी ये जो सभी चिन्ह जो हमारे नेशनल सिंबल हैं,
ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी तो इस कंट्री का हिस्सा हो, आपको भी इन सब के बारे में पता होना चाहिए। हम भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करते हैं, यहाँ की गणतंत्रता का ही हरदम गुणगान करते हैं। हमें चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, हमें चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन हमारा, तिरंगा हो कफन हमारा, हर भारतीय बस यही अरमान करते हैं, हम भारतीय बस यही अरमान करते हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर इन सब विशेषताओं में से एक है अनेकता में एकता। यस, हमारे देश में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, खाना पीना रहना सब हमारे देश में हर तरह की चीज़ें की जाती हैं, और यही सब चीज़ें हमें दिखाती हैं कैसे हम अनेक होते हुए भी सब एक हैं, कैसे हम सब के विचार एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा देश है। तो क्यों ना हम सब मिलकर ये ठाने कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, अपने जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो अभी आप सबको पता चला क्यों 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, हमें हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां दी गई थी। आज आपको पता है आप हर जगह जा सकते हो, हर जगह घूम सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कहीं पे भी बोल सकते हो, ये सब अधिकार हमको आज़ादी से पहले नहीं थे। हम कहीं पे भी नहीं जा सकते थे, हमें हर जगह जाने के लिए कर चुकाना पड़ता था अपने ही देश में। हम कुछ बोल नहीं सकते थे, हम किसी भी धर्म को अपना नहीं सकते थे, पर आज़ादी के बाद ये हमारा संविधान ही था जिसने हमें ये सब अधिकार दिए। तो इस अधिकारों के साथ हमें कुछ जिम्मेदारियां भी मिली हैं, वो जिम्मेदारियां हैं अपने देश को सही तरीके से चलाने की, अपने नागरिकों को अच्छा माहौल देने की। अब आप सबको पता चल गया क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आई होप अब आप सबको रिपब्लिक डे का मीनिंग पता चल गया होगा। और पता है आज के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? आज का दिन बहुत धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होते हैं। आपने भी स्कूल में काफ़ी प्रोग्राम किए होंगे, देखे होंगे, राइट? और आज के दिन दिल्ली में एक परेड निकाली जाती है। उस परेड में हमारे देश के जितने भी जो हमारा गर्व है, हमारे सम्मान है, सब झांकियां वहां पर निकाली जाती हैं। और ये परेड आपको पता है कहां दिखाई देंगी? ये परेड आप अपने टीवी पर घर में बैठ के देख सकते हो। तो 26 जनवरी के दिन परेड देखना ना भूलें, अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर टीवी पर हमारे देश के गौरवान्वित करने वाली झांकियां जरूर देखें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।